हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. बच्चों कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. प्लीज़ अपने हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखिए और अच्छे से रोज़ पढ़ाई करिए. स्टूडेंट्स कहाँ देख रहे थे हम लोग? बायोटेक की यूनिट देख रहे थे. बायोटेक यूनिट में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. आज हम लोग वैसे तो चैप्टर ज़्यादा नहीं बाकी है, पर कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ख़त्म हो जाए, नहीं तो हम लोगों को एक और लेक्चर लेना पड़ेगा. ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, क्या चल रहा था? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग इसमें देखो बायोटेक्नोलॉजी के यूजेज देख रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसकी एप्लीकेशंस देख रहे थे. हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में देखी कि हम लोगों ने किस तरीके के ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए, किस तरीके से हम लोगों ने क्रॉप्स की पैदावार को बढ़ाया. उसके बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन में देख रहे थे. ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि मेडिसिन वाले टॉपिक में मैं आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बताऊंगी, जीन थेरेपी बताऊंगी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बताऊंगी. ठीक है, तो हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में बात कर रहे थे. हेडिंग डालूंगी मैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बता चुकी थी कि इंसुलिन जब इनिशियली होता है तो वो एक प्रो इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसमें थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ए बी एंड सी. लेकिन जब वो प्रो इंसुलिन इमैच्योर इंसुलिन आपके एक्टिव और मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो जो सी चेन होती है वो सी चेन क्या हो जाती है, हट जाती है और सिर्फ दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बची हुई रहती हैं ए एंड बी. उसमें ए थोड़ी स्लाइटली शॉर्टर होती है बी के कंपैरिजन. यहाँ तक आप देख चुके थे. दूसरी बात, इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ होता है? इंसुलिन अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है जो कि ग्लैंड में कन्वर्ट हो चुका है, वो मिक्स्ड ग्लैंड में कन्वर्ट हो चुका है. एक्सोक्राइन भी है, इंजाइम्स भी बनाता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है और एंडोक्राइन भी है, हार्मोन भी बनाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में भी मदद करता है. तो पैंक्रियास, पैंक्रियास करके एक ऑर्गन है, ग्लैंड है जिसका 1% पोर्शन एंडोक्राइन पोर्शन है, जिसके अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं. उन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बहुत तरीके के सेल्स होते हैं. तो एक बीटा सेल्स नामक सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं. इंसुलिन क्यों रिलीज होना चाहिए बॉडी में या क्या ज़रूरत है? क्योंकि इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं. अब मान लो इंसुलिन की किसी भी वजह से डेफिशिएंसी हो गई है. डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं किया पैंक्रियास ने, या इतना कम प्रोड्यूस किया कि वो ब्लड के टारगेट लोकेशंस पे जा ही नहीं पा रहा, या प्रोड्यूस भी किया रिलीज भी किया लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, ग्लूकोज के लेवल को नहीं मेंटेन कर पा रहा है और ग्लूकोज का लेवल एलिवेट होकर यूरिन में आ रहा है, तो आपको ग्लूकोसूरिया हो गया. ग्लूकोज यूरिन में आने का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोज और यूरिया. ठीक है ना, तो इसकी वजह से आपको बीमारी हो जाएगी डायबिटीज मेलाइटिस. अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप उसका ट्रीटमेंट और क्योर भी करोगे, तो आपको बाहर से इंसुलिन चाहिए. और अगर बाहर से इंसुलिन चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें कुछ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, या हमें उस जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन बनाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. अब कैसे बना सकते हो आप? कि इसमें देखो मैं प्रॉपर नहीं लिखा रही हूँ, सिर्फ आपको समझाऊंगी कि आपने क्या किया इंसुलिन को. आपने क्या किया, देखो पहले क्या होता था, जैसे अगर ह्यूमंस में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई है तो डॉग का इंसुलिन ले लिया, कैटल का इंसुलिन ले लिया, काऊ का इंसुलिन ले लिया. पर जब हमने उनका इंसुलिन लिया, उसको किसी वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा और हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करवा, तो हमारी बॉडी ने उस इंसुलिन को नहीं एक्सेप्ट किया. तो एक बात तो ये क्लियर है कि अगर ह्यूमन इंसुलिन में डेफिशिएंसी हुई है तो वो किसी ह्यूमन का ही इंसुलिन ऑब्टेंट करेंगे. ठीक है, तो जैसे आपने कोई वेक्टर डीएनए लिया, नहीं वेक्टर डीएनए भी बाद में देख लेना, आप सबसे पहले
पैंक्रियास के बीटा सेल्स में से इंसुलिन को निकालोगे जो आपके लिए क्या है, डिजायरेबल है, ठीक है. एक्सट्रैक्ट द डिजायरेबल जीन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए प्रोसीजर्स हैं. एक्सट्रैक्ट द डिजायरेबल जीन. डिजायरेबल जीन मतलब पैंक्रियास के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स में. सेल है तो क्रोमोजोम होगा, क्रोमोजोम है तो जीन होगा, जीन है तो डीएनए होगा. मतलब उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ऐसा कौन सा जीन है, ऐसा कौन सा जीन है जो प्रोटीन रिलीज करके अपना जीन एक्सप्रेशन दिखाएगा और इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा. यही सारी कहानी पढ़ रहे थे इतनी देर से हम लोग. तो एक्सट्रैक्ट द डिजायरेबल जीन विच इज कोडिंग फॉर या विच कोड फॉर इंसुलिन, जो कि ऐसा कोड करता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन हो. विच कोड फॉर इंसुलिन. फाइन स्टूडेंट्स, तो कहां से निकालोगे आप, पैंक्रियाज हैं. पैंक्रियाज में आपके आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं. आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में आपके बीटा सेल्स होते हैं और उन सेल्स के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है. तो आप इस सेल के अंदर जो जीन इसको बनाने की कोडिंग करे, अगर उसको निकाल लो और वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ लो, अगर वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ लो तो क्या होगा भाई, ये आपका डिजायरेबल जीन फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है. ये आपका वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड, आपने इन दोनों को जोड़ा. मेनली आप बैक्टीरिया का ही प्लाज्मिड लेते हो और होस्ट भी मेनली आप बैक्टीरिया को ही कंसिडर करते हो. तो जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस बार बना है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए बना है. अब आप इसे क्या करो, बैक्टीरिया में डाल के मल्टीप्लाई करवाओ और उसके बाद जो इनकी कॉलोनीज बनेगी वो एक हाईली लेबोरेटरिकल प्रोसीजर है कि फिर आप बैक्टीरिया में से एक्सट्रैक्ट करोगे और इंसुलिन दोगे. अब इंसुलिन क्या है, आप किस तरीके से लेते हो. मेनली ज़्यादातर लोग इंसुलिन इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं, सिरिंज में वो भरते हैं उसका सॉल्यूशन एंड दे इंजेक्टेड. तो इंसुलिन क्या है, आपकी बॉडी में चला जाता है. इंसुलिन बॉडी में चला गया मतलब ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा और जो भी आप खाओगे पियोगे या जिस भी फूड सोर्स से आप ग्लूकोज को ले रहे हो वो इंसुलिन ग्लूकोज को मेंटेन करेगा, उसके लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स. तो क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्ट डिजायरेबल जीन विच कोड फॉर इंसुलिन. कैसे करोगे आप, देखो मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये चीज हम लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हैं. भाई क्या करोगे आप, सपोज करो ये जीन के अंदर आपका डीएनए है, ठीक है. नहीं मैं इसको, ठीक है स्टूडेंट, जीन में क्या है, जैसे ये आपका ये जीन का डीएनए है. अब डीएनए में क्या है, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो जुड़े हुए हैं. भाई डीएनए क्या होता है, वैटसन एंड क्रिक ने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था ना, अब आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, कोई एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लोगे वो डीएनए के अंदर क्या करेगा, अपनी स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करेगा और उसको क्या कर देगा, कट कर देगा. जैसे ये कटिंग कर दी, अब ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट एक ऐसा पैलिंड्रोमिक डीएनए बेस सीक्वेंस है जो किसको कोड कर रहा है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को. तो आपको क्या मिल गया, आपका डिजायरेबल डीएनए मिल गया, ठीक है. तो ये आपने क्या किया, ये तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने क्लीवेज किया था. अब आपको इस डिजायरेबल जीन को या डिजायरेबल डीएनए को किसके साथ लाइगेट करना पड़ेगा, डीएनए लाइगेज से, प्लाज्मिड या फिर वेक्टर डीएनए से, ठीक है. यही प्रोसीजर है ना डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने का, लाइगेट विथ वेक्टर डीएनए. अब जैसा भी वेक्टर डीएनए आपने लिया है, भाई बैक्टीरिया लिया है, वायरस लिया है, मेनली तो हम बैक्टीरिया के असेसरी डीएनए को ही उठाते हैं, दैट इज प्लाज्मिड डीएनए,
ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स. अब ये आपका प्लाज्मिड डीएनए को भी आपको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ कट करवाना पड़ेगा, और आपने इसको किसके साथ जोड़ दिया, आपके डिजायरेबल डीएनए के साथ जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, तो दिस विल फॉर्म द आरडीएनए. फाइन स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका वेक्टर डीएनए, ये आपका है वेक्टर डीएनए, ये आपका प्लाज्मिड डीएनए, वेक्टर डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब दिस फॉर्म्स आर डीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन. फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन. तो अब ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना, तो इंसुलिन क्या होगा? जेनेटिकली मैन्युपुलेटेड, जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली एंजीनियर्ड इंसुलिन. अब आप क्या कर सकते हो, आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन है, आप इसको बैक्टीरिया में डाल के या किसी और होस्ट में डाल के मल्टीप्लाई करवा सकते हो. ठीक है, क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग डायरेक्टली हमारी बॉडी में नहीं डाल सकते, क्योंकि अभी आपके एथिकल इश्यूज पढ़ोगे उसमें आप देखोगे, या जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का टॉपिक आप पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना रहता है डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो वो न्यू प्रोडक्ट बनते से ही आपके ह्यूमंस में इंजेक्ट नहीं किया जाता है, वो कॉन्स्टेंटली एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट करके उनका प्रूफ लिया जाता है. भाई आपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना ली और आपने डायरेक्टली ह्यूमंस की बॉडी में इंजेक्ट कर दी, मान लो ह्यूमंस ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया या साइड इफेक्ट हो गया, तो आपका इमेज खराब हो जाएगी ना, कि जिस भी कंपनी ने बनाया है या जिस भी कंपनी का आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हो, तो वो कंपनी सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर ट्राई करती उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उस फॉरेन डीएनए को वो पहले एनिमल में इंजेक्ट करती, इसलिए वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, जेनेटिकली एंजीनियर्ड एनिमल्स या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स. इजी सा टॉपिक है, उसी में ही कवर हो गया. तो पहले एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रूफ लिया जाता है कि जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मैंने बनाया है वो काम करेगा कि नहीं करेगा. पर इंसुलिन का काम है ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करना, अगर नहीं काम किया इंसुलिन ने फिर ये तो गड़बड़ हो गई, नहीं ये तो गलत हो गया. तो आपने ज़बरदस्ती इंसुलिन को बनाया भी, मार्केट में सप्लाई भी किया, आपके जो भी पेशेंट थे, मान लो आपने किसी को बोला कि मैं बना रहा हूँ आप यूज़ करना, उसने यूज़ भी किया, इंसुलिन ने काम भी नहीं किया, और भगवान ना करे उसका कोई गलत इफेक्ट शो हो गया, तो दैट विल रूइन योर इमेज एंड पर्सनैलिटी इन द मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे तब भी उसको देने में डरोगे और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा. तो जब भी फाइनल प्रोडक्ट रिलीज होता है बायोटेक्नोलॉजी का, तो वो पहले एनिमल्स पे पूरा टेस्टिंग और प्रूफिंग की जाती है उसकी. ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका क्या था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. ये वाला टॉपिक क्या होता है आपका, यहाँ पर खत्म होता है. अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन में, जो सेकेंड टॉपिक है वो है जीन थेरेपी. जीन से थेरेपी दो, जीन में कुछ चेंज करके, जीन में कुछ मैन्युपुलेशन करके आप ट्रीटमेंट दो, आप कुछ ठीक करो, मेडिसिन के फील्ड में कुछ रेवोल्यूशन लाओ. देखो, जब आप मदर के यूट्रस में हो तो आपकी बॉडी भी वैसे ही बनने लग जाती है, अगर आप लड़की हो या लड़का हो जो भी पैदा होने वाला है, तो उस सेल के अंदर वी आर हैविंग क्रोमोसोम. फिर आपने रिप्रोडक्शन के टाइम पर देखो, आपकी जो ह्यूमंस की बॉडी में है वो 46 क्रोमोसोम्स फादर में होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स मदर में होते हैं. ठीक है,
तो 46 क्रोमोसोम क्या होते हैं, 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है, जो कि चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करता है। तो जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेक्स को छोड़कर बाकी हमारी बॉडी के जनरल कैरेक्टर्स और ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कोई आई कलर को बनाता है, कोई हेयर कलर को बनाता है, कोई स्किन कलर को बना रहा है, कोई हॉर्मोन्स को बना रहा है, कोई आपके लिप्स को बना रहा है, ठीक है, कोई टीथ का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई हेयर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, किस तरीके के हेयर्स होंगे, कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, वेवी होंगे, कर्ली होंगे, सिल्की होंगे, ड्राई होंगे, स्ट्रेट होंगे, ये सारे कौन कर रहा है, ये जीन ही तो कर रहे हैं। अगर आपके बाल कर्ली और आपके फादर के बाद कर्ली तो आप तुरंत बोलोगे ये तो है ना इसके पापा पे गया, इसके बाल बिल्कुल कर्ली है। तो पापा में कोई जीन कर्ली हेयर्स का कोडिंग होगा, वही का वही जीन जो कि जिस क्रोमोसोम में है वो उसके अंदर आ गया होगा बच्चों के अंदर, ठीक है। तो 46 46, 23 पेयर्स में 23 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो कि फादर में मिसमैच XY होते हैं और मदर में बिल्कुल होमोलोगस मैचिंग XX होते हैं। तो मदर से तो हमेशा ही X आएगा, पर फादर से X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। इसलिए फादर इज द वन हु इज गोइंग टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि अगर फादर से X आया और मदर से तो ऑलवेज X आएगा, तो XX गर्ल चाइल्ड होने वाला है। मदर से हमेशा X आएगा, मान लो फादर से Y आया तो XY मींस गोइंग टू गिव अ बर्थ, या मदर इज गोइंग टू गिव अ बॉय चाइल्ड, ठीक है। तो जीन थेरेपी में क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये क्रोमोसोम है, जीन थेरेपी का एम होता है कि एम्ब्रियो स्टेज पर जब आप मदर के यूट्रस में और आपने बर्थ नहीं लिया है, उसी टाइम पर अगर आप कोई फॉल्टी जीन डिटेक्ट कर रहे हो, फॉल्टी जीन मतलब जिसका प्रोटीन सीक्वेंस बदला हुआ है, वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो अगर वो जीन फॉल्टी होगा तो वो जो प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन निकालेगा या प्रोटीन्स को रिलीज करके वो जिस तरीके का एक्सप्रेशन निकालेगा वो भी गलत होगा। वॉट एवर द ट्रेट दैट जीन इज गोइंग टू शो, वॉट एवर द ट्रेट, मैंने क्या बोला, वॉट एवर द ट्रेट द जीन इज गोइंग टू एक्सप्रेस बाय रिलीजिंग ऑफ प्रोटीन्स, वो ट्रेट क्या हो जाएगा, अजीबो गरीब आएगा। वो ट्रेट क्या होगा, बहुत ही अजीबो गरीब आएगा। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जब एम्ब्रियो स्टेज में हो, आपने बर्थ नहीं लिया और अभी बहुत टाइम है बर्थ लेने में, एटलीस्ट 9 मंथ है, और आप मदर के यूट्रस में हो और किसी भी जीन में अगर फॉल्टी जीन है, तो जीन थेरेपी से क्या होता है, उस फॉल्टी जीन को आप हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दो। तो जीन थेरेपी डील्स विद द रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय द हेल्दी जीन when the organism is in embryo stage within the womb of the uterus of mother।